ज्यादातर राइटर्स के नाम जो हैं, एम एफ हुसैन आप जानते होंगे, जिनकी बहुत मशहूर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं इंडिया के अंदर, आपका तो नाम ही इम्तियाज है, तो इसको इम्तियाज तो ऑटोमेटिकली हासिल हो गया। ज़रा मुझे काइंडली एक और चीज़ बताएं, पुलिस के बारे में हमारा एक इमेज है दैट दे आर वेरी हार्ड कोर पीपल एंड दे आर नॉट सॉफ्ट टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो मैं चलान बुक के ऊपर जो ना वो बैक साइड पे लगा हुआ हूँ, वहाँ पे भी कैलीग्राफी कर रहा हूँ, कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, कोई स्केच बना रहा हूँ। बर्ड आई व्यू जो एक एंगल होता है, मैंने उस पर से इसकी तस्वीर कैप्चर की और मैंने वापसी आके इसको मैंने अपने कैनवस पे ड्रा की। एक कंसेप्ट हमने दे दिया है कि पेंटिंग्स आपके हैंग होनी चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने ऑर्डर कर दिया कि पूरे पंजाब पुलिस के जितने भी थाने हैं, जितने भी हमारे दफातर हैं, वहाँ पर पेंटिंग्स उन्होंने लाजमी मंजूर कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उठो पाकिस्तान के साथ आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट एग्ज़िबिशन रिगार्डिंग द पुलिस। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ ना, इससे आपको ना रोशनास कराना चाहता हूँ कि पुलिस का एक इमेज आपके यहाँ काफ़ी हार्ड कोर और काफ़ी यू कैन से बेस्ड ऑन क्रुएलिटी, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है। लेकिन आज हम पुलिस वालों के साथ जिस चीज़ पर बात करना चाह रहे हैं वो ये फ़न पारे हैं। मेरे साथ जैन भाई मौजूद हैं जो बेसिकली डॉल्फिन फोर्स का हिस्सा है और फ्रॉम द लास्ट ऑलमोस्ट यू कैन से 5 to 6 ईयर्स ही सर्विंग एज ऑपरेटर इन द डॉल्फिन फोर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैन भाई मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली यू आर वर्किंग एज अ यू कैन से पुलिस मैन, ठीक है सर, बट व्हाट इज दिस, मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड। सर ये प्रोफेशन है और ये पैशन है। तो व्हाई डोंट यू फॉलो योर पैशन एंड सर, इसके पीछे ना बेसिकली एक लंबी स्टोरी है। वो मेरे जो दादा थे वो आर्मी से रिटायर थे, वालिद साहब को एक यूनिफॉर्म से दिली अटैचमेंट थी, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि यार मतलब पुलिस या आर्मी, तो मुझे जो मतलब एक बेहतर लगी वो डॉल्फिन फोर्स लगी, तो दैट्स वाई आई ज्वाइन दिस। तो मैंने फिर इसको ज्वाइन कर लिया। तो आर्ट का वाला, आर्ट का जहाँ तक बात रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाय बर्थ ये चीज़ थी, अल्लाह पाक ने मुझ में रखी थी। देखिए आर्टिस्ट ना बनता नहीं है, आर्टिस्ट पैदा होता है। तो अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी थी, हाँ इसको निखारने के लिए, उभारने के लिए मैंने अपने असाज़ा की मदद ली, उनके पास गया, उन्होंने पॉलिश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मैंने जो पंजाब पुलिस के फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन हुई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फ़न पारे हैं वो आप देख सकते हैं। ज़रा मुझे काइंडली एक और चीज़ बताएं, पुलिस के बारे में हमारा एक इमेज है दैट दे आर वेरी हार्ड कोर पीपल एंड दे आर नॉट सॉफ्ट टूवर्ड्स द सोसाइटी, बट एवरी आर्टिस्ट, एवरी डैम आर्टिस्ट इज वेरी मच सॉफ्ट फ्रॉम इनर हिज हार्ट, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रा मुझे ये बताएं कि आपका ये एक तो बहुत ये यूनिक है, इसका एस्पेक्ट बहुत यूनिक है, इसके ऊपर ज़रा मुझे थोड़ा बताते चले जो भी आपके प्रॉपर लगे हुए पोर्ट्रेट्स। सर पहले जो आपने पुलिस की जहाँ तक बात की कि हार्डली और उनका इमेज ये है, देखें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पुलिस ने मतलब उस तरह करना तो होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हम लोग ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस बहुत मतलब हार्ड है या बुरी है या बहुत सख्त है, ये एक ड्यूटी का हिस्सा है उनकी। अदरवाइज़ उनके भी सीने में दिल है, वो भी नरम लोग हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, एहसास हैं उनमें। और जहाँ तक रही बात ये मेरे आर्ट की, ये जो मैंने आर्ट बनाया है हमज़ा भी, ये सबसे कह लें कि यूनिक आर्ट है। आज से पहले पाकिस्तान में इस तरह का आर्ट किसी ने नहीं किया। इस पर एक खासी मेरी एक तवज्जो रही है, अपना मेहनत की है, खासी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की गई है। ये मैंने गोल्ड लीफ के ऊपर वज़ीर ख़ान मस्जिद बनाई है, जो कि मैं खुद गया था। बर्ड आई व्यू जो एक एंगल होता है, मैंने उस पर से इसकी तस्वीर कैप्चर की और मैंने वापसी आके इसको मैंने अपने कैनवस पे ड्रा किया, जो कि एक एक्रेलिक ऑयल निब वर्क गोल्ड लीफ इस तरह का मिक्स मीडियम बना के शाहकार आपके सामने आया। जी जैन भाई काइंडली मुझे ये बताएं, ये आपने जो बुर्जी बनाया है, ठीक है, अजराए मजाक नशेयों की आमाजगा थी, आपने उसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट पैटर्न सेट कर दिया। सर बिल्कुल, मैंने बेसिकली शो ये करवाया है कि जो हमारा एक पुराना दौर था, सुनहरी दौर था, उसमें मैंने बकायदा ये ओल्ड लाहौर की जो एक ख़ास बिल्डिंग है चुबुर्जी, वो मैंने पेंट की है, वाइब क्रिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पुराने दौर में मैं लेके चला गया, मतलब उससे तो कुछ न्यूज़ एंकर मतलब जो आप जैसे भाई हैं वो कहते हैं यार आपके अंदर कोई बूढ़ी रूह है। मैं कह रही मेरा टेस्ट बेसिकली ये है, मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा था, वो डिफरेंट ये है। आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो मुसव्विर होता है, ऑब्वियसली जो हिस्टोरिक मुसव्विर होता है, जिसमें मैं आपके फन पारे देख रहा हूँ, कहते हैं हिस्ट्री क्रिएट्स अ केमिस्ट्री विद योर हार्ट, इज इट ट्रू? इट दिस इज ट्रू सर। इनके बारे में जरा बताइए, ये तो आपने पूरे लाहौर को ही खींच दिया है। दिस इज कॉल्ड पैनोरामा आर्ट। पैनोरामा आर्ट वो होता है कि जिसको आप डिफरेंट चीज़ें लेके, बिल्डिंग्स लेके अपनी एक कंपोजिशन सेट करते हैं और उसको आप आर्ट का नाम देते हैं और आर्ट बनाते हैं। देखें
यहाँ पे शाही किला है, आपका कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो, शाही किला है, बादशाह मस्जिद है, ये रंजीत सिंह का जो वो समाधि है, इसके अलावा जहांगीर का मकबरा है, ये चबूरजी है और ये आगे शालामार बाग है। इन सारी बिल्डिंग्स को मैंने आपस में मर्ज किया, एक कम्बिनेशन बना के शाहकार बनाया। आपने दरिया को कूजे में बंद किया मेरे भाई। चला थोड़ा सा और आगे चलते हैं। काइंडली ये तो बड़ा ही जैसा कहते हैं ना लवेबल प्लेस है और ये मेरे भी दिल के बड़े करीब है, तो काइंडली जरा इसके ऊपर बताएं कि इसके आपने पैटर्न्स किस तरह ड्रॉ किए। सर ये बादशाह मस्जिद का व्यू है जो कि इसके सामने एक पार्क बनाया गया, मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने खुद कैप्चर की तस्वीर। उसके बाद मैंने अपने कैनवस पर लीफ लगाई और एक्रेलिक ऑयल निब वर्क के मदद के जरिए जो ये हमारे मटीरियल है ये मैंने फिर आपके सामने बादशाह मस्जिद बना दी। नाजरीन कहने का मकसद ये, अभी मैं आपको एक सॉफ्ट इमेज के बारे में बता रहा था, वो दीवार सॉफ्ट इमेज है, इधर आके इन्होंने अपना हार्डकोर पैशन शो भी किया है। ये कच्चे का ऑपरेशन आपको पता है, छुट्टू गैंग ने जिस तरह बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मुलहिका इलाकों में बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई थी, तो पुलिस और हमारी पाक फोर्सेज जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं दे डिड अ ग्रेट जॉब एक दलदली इलाके में इतना मुश्किल ऑपरेशन करना, तो ये उसकी अकासी की गई है। जैन भाई आ गए ना आप अपनी लाइन पे। असर बेसिकली मैं जो अपना एक थीम था वो तो मैं करते हूँ इस पेंटिंग में बताना ये चाह रहा हूँ कि आई कैन डू एवरीथिंग। आर्टिस्ट जो होता है ना सब कुछ कर देता है लेकिन उसको अपनी पहचान बनाने के लिए एक मखसूस काम करना पड़ता है। मखसूस काम मेरा वही था जो आपने पहले दिखा दिया, ठीक है। अब आती बारी इस कच्चे के इलाके की। सर इसको बेसिकली मैंने कुछ वहाँ जाके थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया था, उसके बाद मैं कुछ नेट से तस्वीर ली, स्टडी की, स्टडी करने के बाद मैंने एक इमेज क्रिएट की माइंड में, उसको भी मैंने कैनवस पे ड्रा करके ये आपके बना दिया सामने कच्चे का इलाका। जैन एक चीज़ मुझे लास्ट में बताएं, वो क्या चीज़ है जो कलम से भी जोड़ी रखती है और बंदूक से भी जोड़ी रखती है? सर ये कह लें कि कुछ वालिद साहब की मोहब्बत और कुछ जो मेरे अंदर का इंसान है ना, इन दोनों को ना मतलब मैं उधर कह लें कि मजबूर हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी मेरी इधर की वाइब्स आती हैं तो कभी उधर की आती हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। आप मुसव्विर होने का मतलब ये है आप एक वक्त में कई जिंदगियां जीना चाहते हैं। सर जीना नहीं चाहते, जी रहा हूँ। जी रहे सर। नाज़रीन ये देखें कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को पुलिस के बारे में बड़ा ही ना गलत एक तरह का इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एवरी वन इज़ नॉट द सेम। आपके पास इस तरह की भी मिसालें, अब ये अगर किसी बंदे को किसी चेक पोस्ट या कहीं रोकेंगे तो इनका अंदाज़ कितना शाइस्ता होगा, कितनी शुस्ता गुफ्तगू होगी और इनके अल्फाज में किस कदर मिठास होगी जो एक बहुत ही कहते हैं ना एक इल्हानी कैफियत अगले के दिल पे करेगी। तो इस हवाले से मैं जैन साहब मेरी भी बहुत गाढ़ी उर्दू होगी आज इंटरव्यू में आपके साथ। थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी प्लीज दैट आप जैसे लोग हमें सर्व कर रहे हैं एंड इट इज़ ऑनर्ड बाय आवर प्लेटफॉर्म उठो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू इम्तियाज साहब, मुझे ये बताएं ऑब्वियसली आपसे पहले आपके कुलीग जैन से हमारी बात हुई, आपके डिपार्टमेंट फ़र्क है लेकिन सोल तो एक ही है, ठीक है, लेकिन मुझे ये क्यों लगता है कि आप दोनों की रूहों में एक जिसे कहते हैं ना बहुत उसमें क्या कहेंगे रूह की ताजगी है जिसको आपने यहाँ पर बयान किया है? बिल्कुल सही बात है, असल में डिपार्टमेंट हमारा सेम ही है। अगर आप इसका टाइटल पढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट एवर पंजाब पुलिस आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें टोटली शायद जैन ने बताया हो यहाँ पे 18 आर्टिस्ट हैं जिसमें 16 लेडीज़ थी हमारी वो पंजाब पुलिस से थी और उसके बाद हम भी पंजाब पुलिस का हिस्सा हैं और ट्रैफिक पुलिस से मैं हूँ और मेरे साथ जैन जो है वो डॉल्फिन पुलिस से हैं। तो इस तरह से हमारा एक कम्बिनेशन है पूरा पंजाब पुलिस का जिसके साथ हमने ये ग्रुप एग्जीबिशन किया है और इसमें तकरीबन 80+ हमारी पेंटिंग्स हैं और वो यहाँ पर डिस्प्ले हैं, मेरे कोई 8-10 पेंटिंग्स मेरी हैं, जैन की हैं, इस तरह से काम हमने किया है। फ़र्क ये बयान करें कि आपकी पेंटिंग्स प्रॉपरली अरेबिक कैलीग्राफी है सारी की सारी, उनका हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, ठीक है, क्या वजह है, कोई थोड़ा इस्लाम की तरफ आपका ज़रा इंक्लाइन ज़्यादा क्या है? नहीं ऐसा नहीं है, बस ये है कि मेरा रुझान जो है ना वो कैलीग्राफी की तरफ है और उनका जो है वो उसकी एक्सपर्टीज़ उसमें है और मेरा कैलीग्राफी में है तो इसलिए मैं कैलीग्राफी करता हूँ, ये सारा मेरा काम है। और दूसरा ये है कि हम चूँकि इकट्ठा एक कोलैबोरेशन के साथ कर रहे थे तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनका जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो कैलीग्राफी में मैं मौजूद था तो मैंने कैलीग्राफी में किया, उसने फिर जो ना वो मुझे ये क्यों लगता है उनका दिल तारीख में है, आपके जज्बात इन अल्फाज में ऐसी ऐसी है जब वो तो आपका होता है ना ऑब्वियसली आपके अंदर जो एक होता है, मुझे कुरान पाक से मुझे लगाव है, इस्लाम के साथ मुझे लगाव है तो मैं कुरानी आयात लिखता हूँ तो मुझे वो उसमें सुकून भी आता है कि इस तरह से है कि आपका कुरानी आयात लिखें। और मुझे ये भी है और मुझे ये मेरा एक कंसेप्ट ये भी है कि जब आप कोई भी कैलीग्राफी लिख देते हैं बीइंग मुस्लिम हमारा ये कंसेप्ट है कि जो भी आप
ऐसी आयात लिखते हैं और जो भी उसको पढ़ता है तो उसके साथ साथ उनको तो सवाब जाता है, तो आपको भी साथ साथ जो ना उसका अजर मिलता रहता है जब तक वो लगी रहती है। लास्ट में ये बताएं, ऑब्वियसली ये भी आपका फन पारा है, ठीक है, मुझे एक चीज़ बताएं, ज़्यादातर राइटर्स के नाम जो हैं, एम एफ हुसैन आप जानते होंगे जिनकी बहुत मशहूर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं इंडिया के अंदर, आपका तो नाम ही इम्तियाज़ है, तो इसको इम्तियाज़ तो ऑटोमेटिकली हासिल हो गया, क्या वजह है? जो भी ज़्यादातर मुसव्वरी ज़ेहन के होते हैं, क्या उनके माँ बाप को पता लग जाता है इनका नाम ही ऐसा रखो जो दिलों पर एक असर करे? बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है कि जो हाँ ऐसे ही है, लेकिन नामों का असर होता है, आपका जो नाम होता है उसका आपकी शख्सियत के ऊपर असर होता है। जो भी आप नाम रखते हैं आपको बुला बुला के, ये तो हमारे कुरान पाक में और इस्लाम में भी है कि आप नाम अच्छे नाम रखें, क्योंकि नामों का असर आपकी शख्सियत के ऊपर पड़ जाता है। तो जो जाहिर है मेरे वालदैन ने जो नाम रखा, और उसके बाद ये जो मेरा नाम के साथ मैंने नूरश नाम रखा अपना, इम्तियाज़ नूरश, एंड नूरश इज़ द फ्यूजन ऑफ माई फादर एंड मदर नेम, मेरे माँ और बाप के नाम का एक जो कम्बिनेशन है वो मैंने अपने नाम के साथ लगाया। आपने सोसाइटी को एक नया नाम दे दिया, नूरश। जी जी बिल्कुल सर, वो एक नया नाम है। उसमें ये है कि मोस्टली लोग अपने फादर का नाम लिखते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी जो स्किल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है मेरी माँ और बाप दोनों की है, तो मैं इसलिए दोनों का नाम अपने नाम के साथ लिखता हूं। लास्ट में इम्तियाज़, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि सोसाइटी के अंदर, मैं इस बात को तो करूंगा ही नहीं कि ये पॉजिटिविटी फैलाएगी, आपको नहीं लगता कि आप जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू आर ऑन द ट्रैफिक सिग्नल और यू आर डूइंग योर ड्यूटी, तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द पीपल? बिकॉज मैंने मुसव्विरों को ज़्यादातर देखा, आप लोगों के हाथ भी बड़े जिसे कहते हैं ना बहुत मुनासिब अंदाज के हैं, वरना पुलिस वालों के हाथ तो आपको पता है वो तो किसी इसमें यह है कि जाहिर है मेरी नेचर इस तरफ नहीं थी, मैं मतलब चौक में खड़ा हूँ तो मुझसे तो जो मेरा अपना काम है वो मैं करता तो हूँ, जाहिर है एज अ ड्यूटी उसको करते हैं, लेकिन मेरा वो दिल जो होता है ना वो उधर ही आपके आर्ट की तरफ या आपकी वो, मैं उधर भी खड़ा हूँ तो वहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, ऐसी राइटिंग कर रहा हूँ या कैलीग्राफी कर रहा हूँ, तो उधर भी आपका कहीं पर भी आप खड़े हैं तो मैं चलान बुक के ऊपर जो ना वो बैक साइड पर लगा हुआ हूँ, वहाँ पर भी कैलीग्राफी कर रहा हूँ, कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, कोई स्केच बना रहा हूँ, वो वाला मेरा। आपकी बातों से लग रहा है कि दिल मेरा खामोश है इसलिए अल्फाज मेरे पुरसोज हैं। ऐसी है सर बिल्कुल, जो आपका आर्ट और पैशन होता है, जो आपके अंदर कोई भी किसी भी चीज़ का पैशन होता है ना, वो आपके हर काम में झलकता है, हर अंदाज में झलकता है आपका, इसी तरह से सर ये मेरा। नाज़रीन आप देखें, इम्तियाज़ और ज़ैन जैसे लोग ना जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो कहते हैं ना एक मशले राह हैं, उन लोगों को हम खराज तहसीन, ऑब्वियसली वी आर हेयर टू गिव देम आवर ग्रेटिट्यूड, लेकिन बात फिर वही है, ये माशरे को तस्लीम करना पड़ेगा कि हर, वो कहते हैं ना कंवल का फूल अक्सर कीचड़ में उगता है, तो कंवल के फूल है ये कि हमें लगता है कि उस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है, लॉलेसनेस है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे जिसे कहते हैं ना दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, तो हमें इन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और हम अपने प्लेटफॉर्म उठो पाकिस्तान से भी इसी आवाज़ को उजागर करने के लिए आज इनकी खिदमत में हाजिर हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज़, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू सर। सर थैंक यू। लास्ट में मुझे ये है कि मैंने और ज़ैन ने और इस तरह की हमारी तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट, क्योंकि ये कब एग्जीबिशन के थ्रू हमने 18 जो लोग हैं आर्टिस्ट हैं वो पंजाब पुलिस से हमने कलेक्ट किए हैं, और उनका काम यहाँ पर डिस्प्ले करने का मकसद भी ये था, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस में ये कंसेप्ट चला गया है कि आपको अपने अदारों में, आपको अपने ऑफिसेज में जो है ना वो पेंटिंग्स लगानी चाहिए, पेंटिंग्स वो एक कंसेप्ट हमने दे दिया है कि पेंटिंग्स आपके हैंग होनी चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि पूरे पंजाब पुलिस के जो जितने भी थाने हैं, जितने भी हमारे दफातर हैं, वहाँ पर पेंटिंग्स उन्होंने लाजमी मंजूर कर दी है इस तवासत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज चला गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप वैसे किस तरह देखती हैं कि पुलिस वाले, ऑब्वियसली दे आर वेरी हार्ड कोर पीपल, लेकिन उनके हाथ में आपको कलम देख के कैसा लग रहा है, मतलब ब्रशेज और लाइक जितना भी ये स्टफ है रिगार्डिंग पेंटिंग? मैं मतलब काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ इनको, मैं ये हमारे सर हैं, हमारे बड़े हैं, मैं इनको जानती हूँ पहले से भी, तो मैं मेरा भी इस फील्ड में है वैसे, और मैं भी एग्जीबिशन वगैरह करती रहती हूँ, तो मतलब बहुत प्राउड की बात है कि पुलिस में होकर वो ये सब कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशन की मतलब शौक़ की बात है, उनको शौक है तो इतना कुछ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पुलिस का इससे एक बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एक डिक्लाइन है रिगार्डिंग पुलिस बिहेवियर? यही मतलब कि इनकी वजह से हम काफ़ी प्रमोट भी हुए हैं, ये कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी आर्ट का प्रमोशन हुई है, तो यहाँ पे इतना नहीं था वैसे, पहले बाहर ज़्यादा था, लेकिन अब इधर भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सॉरी मैं आपका नाम नहीं बोला, आपका नाम क्या? ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये ज़रा काइंडली बताएं, आप ऑब्वियसली आर्ट की स्टूडेंट हैं,
व्हाट इज़ द सोल ऑफ आर्ट, आर्ट की सोल क्या है, क्या वजह है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करे कि लोग इन चीज़ों को और जो कहते हैं ना हाईलाइट करें, प्रमोट करें? जिनका शौक होता है उनके लिए तो आर्ट ही सब कुछ है, मतलब आर्ट करने से एक सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है, मतलब ये एक तरह की थेरेपी है। हाँ जी कह सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच मैम। जी नाजरीन, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे हम भी ऑब्वियसली यहाँ पे अब वॉक कर रहे थे, देख रहे थे मुख्तलिफ फनपारों को, उनके अंदर की हकीकत को जो उन्होंने अफसाने के रूप में बयान किया। तो यहाँ पे एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी इसको बड़े जैसे कहते हैं ना बग़ौर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताएं, पहले तो अपना गुड नेम बताएं। उमेर सलीम। उमेर साहब मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो है ये किसी बंदे ने अपना दिल नहीं निकाल के रंगों से भर दिया? जी सर ये बहुत खूबसूरत काम किया है जिसने भी किया, तो कह लेंगे मुझे तो मैं तो खूब गया उसको देखते ही देखते, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया सैयद जैन ने। नाजरीन इसके एंड में, इस प्रोग्राम के एंड में, इस एग्जीबिशन के एंड में, मेरा सबसे पहले तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे प्लेटफॉर्म से, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग एंड अ डिफरेंट इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। सबसे बड़ी बात जो आर्टिस्ट और एक आर्टिस्टिक वे के अंदर जो चीज़ें परफॉर्म की गई हैं इस सारे आर्ट एग्जीबिशन में, वो एक तरह ना एक डिफरेंट ही एक जॉनरा क्रिएट किया उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि बिल्कुल एक हार्ड कोर हार्ड लाइन्स पर चलने वाले लोग थे। हमने उनमें कितने सॉफ्ट इमेज वाले लोग देखे जिनके अंदर से जो कहते हैं ना बेहतरीन कुश और बेहतरीन आप ये कह सकते हैं उन्होंने जो फन पारों के ऊपर अपना काम किया है, वो चाहे गोल्डन लीफ का यूज़ हो, वो चाहे ब्रशेस का डिफरेंट टेक्निक के अंदर यूज़ हो, डिफरेंट कलर्स की जो कहते हैं ना इमल्गेशन के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया, तो ये चीज़ें ना एक बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहूँगा, जो तस्वीर होती है वो आपके अंदर का अक्स है, वो कहते हैं ना मेरे हाथों की लकीरों में है मेरी तकदीर, इसलिए मैं बनाता हूँ रोज़ एक नई तस्वीर, शायद वही बदल दे मेरे कौम की तकदीर।